स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, शुरू से लेकर प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है प्रिंट होने से लेकर कॉपी लिखना, उसके अलावा जॉब बनाना, किस पर कितना नंबर मिलता है ये भी सब डिसाइड रहता है, और मैक्सिमम नंबर हम अचीव कैसे कर सकते हैं, सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, कितना समय हमें सेंटर पर बिताना होगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जीरो कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो समय है तो जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि फ्लो में फिर आप भूल जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट आउट किया मैंने, प्रैक्टिकल पेपर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के जो पहली परीक्षाएं हुई हैं वो कैसे हुई हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, और प्रैक्टिकल के जो पेपर आते हैं वो कैसे होते हैं। हालांकि जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं स्टेट लेवल पर स्वतंत्रता होती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेपर मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल पेपर मेरा है वही आपका भी हो, लेकिन पैटर्न जो है सेम रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मार्किंग सिस्टम भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ कितने नंबर मिलते हैं। एक एक पॉइंट अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूं कि आपका जो महत्वपूर्ण है बात किया जाए कि जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, जो प्रैक्टिकल परीक्षा होने जा रही है जुलाई आपके 2023 में रिसेंटली, यानी दो चार दिन बाद आप तैयार होंगे लगभग, तो ऑफलाइन एग्जाम है और ये होम सेंटर रहता है, यानी जिस आईटीआई कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं पर आपकी ये परीक्षा भी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो ये 250 नंबर का पेपर होता है, जबकि आपकी जो मार्कशीट है उसमें बहुत बड़ा इसका वेटेज है, यानी अपने आप में 250 नंबर में अच्छा खासा इसमें स्कोर भी हो जाता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो 235 नंबर से 245 नंबर के बीच एवरेज स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिनका बिहेवियर ठीक है, कॉलेज से रिलेशन ठीक है, टीचर्स के बीच अपनी जान पहचान या जो कम्युनिकेशन है सब कुछ ओके है, समय पर जाना, अटेंडेंस वगैरह, मतलब अगर फ्री माइंड टाइप के बच्चे हैं, किसी प्रकार से आपको दूसरे वाले कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो आपको ये नंबर इजीली मिल जाते हैं, और आपके परसेंटेज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इतने नंबर है ना ये बहुत ज्यादा मायने भी रखते हैं। पूरी ऑनलाइन परीक्षा 150 नंबर की इतनी मेहनत के बाद, और ये 250 नंबर का आपका बहुत सेफ होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर भी अचीव होते हैं। दूसरी बात, पासिंग मार्क क्या है, तो 150 नंबर पासिंग मार्क है, यानी 100 नंबर का आंकड़ा है, लगभग आपका 12-14% डाउन कर देता है अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क पाते हो तो। ठीक है, उसके बाद अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी होती है या फिर नॉर्मल कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, जब भी एग्जामिनेशन होता है तो उस समय रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है, और वो रिकॉर्डिंग जमा होती है नोडल आईटीआई पर। नोडल आईटीआई क्या होती है, हर जिले में एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होता है, जिसको सभी कॉलेज जितने भी उस जिले में गवर्नमेंट और प्राइवेट छोटे जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनका एक मुखिया बना दिया जाता है, और वहीं पर सारी कॉपी जॉब वगैरह जमा होता है, वहीं मार्किंग भी होती है, और वहीं से नंबर अपलोड किया जाता है। जो जिले की जो कि जिले में सरकारी आईटीआई भी दो चार होती है, तो उसमें एक नोडल होती है जो मुख्य आईटीआई होती है, उसी के यहाँ सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो है कॉपी जमा होना और नंबर वगैरह वहीं से अपलोड होता है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद बात करें कॉपी प्रैक्टिकल जॉब प्रिपेयर, ठीक है, इसमें तीन फेज में एग्जामिनेशन है। सबसे पहले आपको कॉपी लिखना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, दूसरा प्रैक्टिकल जॉब को प्रिपेयर करना जो जॉब आपको मिला हुआ है, और उसके बाद तीसरा फेज होता है वाइवा का। ठीक है, ये तीन फेजेज आपके हैं। और बात करें कि जो टाइमिंग है, अच्छा खासा समय होता है, लगभग 2 दिन का इसका प्रोसीजर रहता है, क्योंकि कॉपी लिखना आसान होता है लेकिन जॉब बनाने में समय में लगता है, खास करके मैकेनिकल ग्रुप के जो बच्चे हैं जैसे फिटर है, मशीनिस्ट, टर्नर वगैरह, तो उनमें जब मेटल का जॉब आता है उस मेटल को काटना, घिसना, फिटिंग बनाना, उसको शेप में ले आना, ये सब बनाने में उनको समय लगता है, इसलिए जॉब प्रैक्टिकल जॉब का जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन उसके लिए 2 दिन का लगभग समय निर्धारित रहता है। ठीक है, और जो समय होता है 9:30 से 6 बजे का एक लंबा समय होता है, क्योंकि इसमें जरूरत भी होती है, और बीच में आधा घंटा का ब्रेक होता है, और इस दौरान 2-3 चीजें आपको जरूर ले जानी चाहिए। अब देखिए, जॉब बनाने के लिए जो टूल्स वगैरह हैं आपके, हेक्सा हो गया या अन्य कटिंग टूल्स हैं, मार्किंग टूल्स हैं, उसके अलावा प्लायर वगैरह है इलेक्ट्रीशियन के लिए, टेस्टर वगैरह हैं, या अन्य जो भी सामग्री है वो सब आपको आईटीआई कॉलेज से मिलता है। ठीक है, आपको वो सब घर से नहीं ले जाना है, आपको घर से अपना आईडी कार्ड, यानी कोई आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, अपना आधार कार्ड ले लीजिए, अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए हॉल टिकट आईटीआई का, उसके साथ कॉपी नहीं ले जाना है, कॉपी कॉलेज से मिलेगी, आपको पेन ले लेना है, पेन में भी 2 कलर की होनी चाहिए, एक हेडिंग के लिए और एक नॉर्मल लिखने के लिए, और साथ में स्केल और पेंसिल भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ डायग्राम्स वगैरह अगर ड्रॉ करना पड़ा तो वो आप कर पाओगे। उसके बाद मार्किंग सिस्टम जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो अगर आप कॉपी लिखते हो तो कॉपी लिखने का 15 नंबर मिलता है और वाइवा का 10 नंबर मिलता है, और जॉब जो बनानी होती है प्रैक्टिकल के दौरान जो जॉब बनाना होता है उसका 225 नंबर मिलता है, टोटल मिला के 250 नंबर है।
तो ये एक रफली फिगर है, यही एक तरह से रेशियो है, किस रेशियो में नंबर मिलता है। तो रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, जॉब, जो प्रैक्टिकल का आप जॉब तैयार करते हो ना उसमें ही सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद फेजेज वही चीज मैंने लिखा है, कॉपी लिखना, जॉब बनाना, वाइवा और कॉपी चेकिंग नोडल आईटीआई पर होती है, और ये नंबर वगैरह यही लोग अपलोड करते हैं। जैसा आपका पैटर्न है, जो कुछ भी आपने जॉब कैसा बनाया, कॉपी कैसा लिखा, वाइवा कैसे हुआ, सबको ऐड करते हुए ये नंबर अपलोड किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सारा काम आप कर लोगे और उसके बाद अगर जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो अपने कॉलेज पर, तो अटेंडेंस सीट होती है जो हर टेबल पर घूमती है, कई जगहों पर एक होती है, कई जगहों पर दो सेट में होती है। तो अटेंडेंस सीट पर अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाते हो तो कितना भी अच्छा जॉब बनाया हो, कॉपी लिखे हो, वाइवा दिए हो, आपका गड़बड़ हो जाएगा, अब्सेंट हो जाओगे, नंबर अपलोड ही नहीं होगा। तो अटेंडेंस सीट पर आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है, ये गलती मत करना। और कॉपी पर अगर ऑप्शन है आपके कॉपी पर, ठीक है, क्योंकि कॉपी भी सब जगह अलग अलग देखने को मिलती है प्रैक्टिकल में, तो अटेंडेंस सीट बहुत मस्ट है। अटेंडेंस सीट जिसपे सभी बच्चों के अटेंडेंस होता है, उस पर आपका रोल नंबर लिखना और सामने आपका नाम रहता है और सिग्नेचर करना होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको करना जरूरी है। मैं आपको कुछ पेपर्स के सैंपल वगैरह भी दिखा देता हूँ, किस प्रकार से पेपर आता है, क्या क्या लिखना है। सबसे खास बात मैं बताऊं कि हमने बहुत छोटा सा यहाँ पे पॉइंट किया है, सिर्फ 5 पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया है प्रैक्टिकल लिखने का तरीका। वैसे प्रैक्टिकल लिखने के लिए जनरली लोग ढेर सारे सजा के 4, 5, 10, 20 हेडिंग कर देते हैं, लेकिन आपको कम से कम, क्योंकि बहुत कम नंबर मिलता है, कॉपी लिखने का बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता, 10-20 नंबर में आपको निपट जाना है, ठीक है। मैक्सिमम फोकस जॉब पर होता है, तो कॉपी में हम सिर्फ वही लिखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है या जो पूछा जाता है एक तरह से। सबसे पहला हेडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये लिखा जाता है जो प्रैक्टिकल आपको दिया है वही प्रैक्टिकल यहाँ लिखा जाता है। जैसे जनरली रहता है ना कि फिटर में बात करा जाए तो फिटिंग दे देता है कि मेल फीमेल फिटिंग बनाना हो, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है मेल और फीमेल फिटिंग तैयार करना, सिंपल सा है। उसके बाद जब उस मेल फीमेल फिटिंग को आप बना रहे हैं, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रीशियन में जॉब मिल गई है जिसमें आपको दो बल्ब हैं और एक टू वे स्विच है जिससे आपको सीढ़ी वाली, सीढ़ी की जो वायरिंग नहीं होती है कि ऊपर जाते हैं तो वहां से भी बल्ब से ऊपर वाला नीचे का बल्ब एक ही बल्ब रहता है और दो जगह स्विचेज लगे रहते हैं और नीचे से भी वो बल्ब जल जाता है और ऊपर से भी जल जाता है, बुझ जाता है, तो ये सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत पॉपुलर प्रैक्टिकल है, लगभग हर साल ही फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में आ जाता है। तो उस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या सामान चाहिए वही लिखना है, कहाँ लिखना होता है, रिक्वायर्ड टूल एंड मटेरियल में। फिटर में है तो आपको क्या क्या चाहिए एक जॉब बनाने के लिए, जैसे आपको हेक्सा चाहिए होगा, फाइल चाहिए होगा, उसके बाद जो टी होता है, क्या कहते हैं सर, एल टाइप का जो होता है, टी स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, ठीक है, ट्राई स्क्वायर चाहिए होगा, मार्किंग टूल्स चाहिए होंगे। तो वो जो कुछ मतलब एक जॉब बनाने के लिए, प्रैक्टिकल जॉब बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए, आंख बंद करके वही सामान आपको यहाँ लिखते जाना है, ठीक है। कुछ नहीं अलग से रखने पड़ने की जरूरत है, आपको जो जॉब मिली उसमें क्या क्या लग सकता है, इलेक्ट्रीशियन में प्लायर लग सकता है, वायर लग सकता है, वायर चाहिए, प्लायर चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, जैसा जॉब है उस हिसाब से सब चीजें लिखना होता है। और सेफ्टी में, सेफ्टी लगभग कॉमन रहती है हर जगह, इलेक्ट्रीशियन है तो बोला जाता है कि लाइव टर्मिनल को टच ना करें और कोई वायर लूज ना रहे, इसी तरह से अलग अलग ट्रेड का होता है ना, तो दो चार होते हैं, दो तीन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए प्रैक्टिकल के दौरान। और महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा दो चीजें होती हैं, एक ये वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप सही सही लिखिए क्या क्या सामान लगा जॉब बनाने में, और दूसरा ये लिखिए कि आपने क्या क्या किया, तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेटल लिया तो सबसे पहले आप बताए लिखेंगे कि हमने इस साइज का मेटल लिया, फिर दूसरा प्रोसीजर उसको कट किया, मेजर किया, मेजर करेंगे तो आपने मेजरमेंट लिख दिया कि हमने उसको इस इतने मेजरमेंट पे मेजर करके उस पर मार्किंग कर लिया, फिर तीसरा लिख दोगे मेजरमेंट के हिसाब से हमने उसको कटिंग करना शुरू किया, फाइलिंग करना शुरू किया, अगर ड्रिल है तो ड्रिलिंग करना शुरू किया, मतलब जो जो करते जा रहे हैं वही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर, लास्ट में रिजल्ट में लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट में यहाँ लिखते हुए कहते हैं कि ये काम कंप्लीट हुआ। तो ये कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीका है। मैं आपको पेपर्स दिखा देता हूं और कुछ वीडियोज भी हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करा जाए यहाँ पर, तो ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, क्या तैयार कर रहे हैं, ये एक रिकॉर्डिंग है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल आया हुआ था उस समय कोई एक ज्वाइंट बनाना था, कोई टी ज्वाइंट इलेक्ट्रीशियन का है, या कोई रैट टेल या कोई टी ज्वाइंट वगैरह बनाना था, तो वो सिंपल सा प्रोसीजर, मैलेट वगैरह लिए हुए हैं और कुछ ये वायर्स के टुकड़े हैं जिनको कनेक्ट करके बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी मैं बात करूं, कॉपी लिखने का भी प्रोसीजर होता है, सिंपल क्लासरूम में कॉपी लिखते हैं, पेपर आता है, पेपर ऑनलाइन आते हैं, प्रिंट होते हैं कॉलेज पर, शेड्यूल्ड टाइम के अराउंड ही आते हैं, बहुत पहले पेपर नहीं आता है। और आपको सिंपल जैसे कॉपी लिखने का मैंने प्रोसीजर बता दिया, वैसे आप कॉपी लिख सकते हो। पेपर्स की बात करें, देखिए आपके सामने
जो फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर होता है वो सेकंड ईयर के अपेक्षा थोड़ी आसान जॉब आती है, ठीक है। सेकंड ईयर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब होती है, फिटर फर्स्ट ईयर में थोड़ी आसान जॉब होती है। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक आपके सामने दिख रहा है पेपर, पेपर में भी एग्जैक्टली वही चीजें कह रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। पेपर में कह रहा है देखिए, फिटर का पेपर है, पेपर में सबसे पहला चीज कह रहा है लिस्ट आउट टूल एंड इक्विपमेंट, उन टूल्स और इक्विपमेंट का नाम लिखिए जो प्रैक्टिकल करते समय आपको जरूरत है। और मैंने भी हेडिंग यही बताया था ना, यहां पर मैंने आपको हेडिंग बताया था ना, चलिए अब दिखाऊंगा बाद में आपको, टूल्स एंड इक्विपमेंट का नाम बताना है। दूसरा, आपने जो भी प्रोसीजर किया प्रैक्टिकल बनाने में, जो जो स्टेप आपने लिया है उसको लिखना है, और सेफ्टी भी लिखना है। तीनों हेडिंग मिल गए जो तीनों मैंने आपको बताया था। हाँ, पेपर जैसे नहीं, कभी कभी हिंदी भी आ जाता है, और जब इंग्लिश आता है तो आप अपने सर वगैरह से पूछ सकते हैं, ट्रांसलेट करके हिंदी का मतलब बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ज्यादातर इंग्लिश देखने को मिलता है पेपर। उसके बाद तीसरा है जॉब बनाना। तो देखिए लिखा हुआ है, पहले में पूछ रहा है कि टूल और इक्विपमेंट का नाम बताइए, जब टूल और इक्विपमेंट का आप नाम बताएंगे तो उसका 5 नंबर है। उसके बाद जब आप सीक्वेंस लिख देते हैं कि इस प्रैक्टिकल को मैंने ऐसे काटा, ऐसे बनाया, ऐसे तार जोड़ा, ये सब लिखते हैं, तो उसका आपको 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब ये जॉब जो मेटल मिला हुआ है, मेटल को कट करके इस तरह से कुछ ज्वाइंट बनाना है, तो उस ज्वाइंट बना देते हैं अगर आप लोहे को काट पीट कर सही से मेजर करके, तो उसका 225 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखेंगे तो वाइबा का 10 नंबर लिखा हुआ है। और देखिए एक चीज यहां लिखा हुआ है, टॉलरेंस फिटर वालों को खास करके, या मैकेनिकल के जो भी ट्रेड है, मशीनिस्ट वगैरह है, ग्राइंडर है, वैसे में ये चीज लिखा रहा है, टॉलरेंस लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.04 mm, यानी जो साइज दी गई है जॉब की बनाने के लिए, अगर उसमें 0.04 mm कम ज्यादा बना देंगे तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, इसका ये मतलब होता है टॉलरेंस के यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये है आपका फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं एक बार, ये पेपर आपका, ये देखिए, ये फिटर फर्स्ट ईयर का, ठीक है। इसी तरह से यहां पर बात करिए, ये फिटर सेकंड ईयर का, फिटर सेकंड ईयर में भी वही चीज है, बस अर्थे क्या हुआ, जॉब थोड़ा सा बदल गया। इसमें देखिए राउंडिंग आ गई, ऐसे कटना है, फिर ऐसे ऐसे टेपर काटना है, मेल फीमेल बनाना है, दो पॉइंट से इनको अटैच करना है। इलेक्ट्रिशियन की बात कर लिया जाए, इलेक्ट्रिशियन में ज्यादातर थ्योरेटिकल आता है, एकाक जॉब आ जाती है बनाने के लिए। इसमें देखिए क्या है, ग्रेविटी, बैटरी की ग्रेविटी चेक करना है। आपने देखा होगा ना वो हाइड्रोमीटर जो होता है, जिसे चेक करते हैं बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो ये बैटरी का प्रैक्टिकल है पहला वाला, ये 50 नंबर का है। इसको क्या लिखना होगा, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या क्या टूल्स चाहिए, बैटरी चाहिए होगी, हाइड्रोमीटर चाहिए होंगे, कनेक्टिव वायर चाहिए होंगे, उसके अलावा आपको वोल्टमीटर चाहिए होगा, वही सब आपको लिखना होता है। प्रोसीजर लिखेंगे कैसे कैसे आपने इसको किया, 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। दूसरा प्रैक्टिकल 3 फेज सर्किट है, वाट मीटर मेथड है आपका, ये 100 नंबर का है। और तीसरा देखिए, हाई HT एंड LT टर्मिनल जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, हाई साइड और लो साइड कौन सा होता है वो आपको चेक करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तैयार कर पता करना है वोल्टमीटर मेथड से, ये 100 नंबर का है। तो इनका प्रोसीजर, ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन में थ्योरी प्रैक्टिकल लगभग 3 से 4 प्रैक्टिकल लिखने पड़ जाते हैं, फिटर में सिर्फ एक प्रैक्टिकल लिखना रहता है, वही बनाना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन में आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में देखोगे, तो इन सब ट्रेड में 2-2, 3-3 प्रैक्टिकल होते हैं, और मैकेनिकल वालों में सिर्फ एक प्रैक्टिकल रहता है, उसी के बारे में लिखना होता है, उसी को बनाना होता है, क्योंकि मैकेनिकल को मेहनत करनी पड़ती है, लोहा काटना, घिसना, ड्रिल करना, ये सब करना पड़ता है ना, फिटर ग्रुप के जितने भी मशीनिस्ट और टर्नर इस तरह के जो ट्रेड है। ये इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का है, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का भी सेम है, पहला क्वेश्चन 50 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का, तीसरा 100 नंबर का। तीसरे वाले में क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर बाय फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है। DC मोटर का आपको क्या करना है, स्पीड कंट्रोल का जो प्रोसीजर है वो लिखना है, और वहां वर्कशॉप में जो लगी होगी DC मोटर वहीं पर उसको करके एग्जामिनर को दिखा देना है, आप DC मोटर वहां बनाओगे नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर आप जरूर बना सकते हो, उसके लिए डायोड वगैरह लेकर इसको बना सकते हो, तो ये बनाना पड़ेगा, बाकी ये DC मोटर वाला बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, आपको बताना है कि तीनों जो उसके टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, उसकी पहचान करना है। तो सिर्फ पहचान कर लिया आपने, उसका प्रोसीजर लिख दिया कैसे पहचान किए हैं, कुछ बनाना नहीं इसमें। तो इलेक्ट्रिशियन में ज्यादातर एकाक जॉब बनानी होती है, वो भी बहुत सिंपल चीज होती है, इनका प्रैक्टिकल जल्दी निपट जाता है, और फिटर और फिटर से रिलेटेड जो ट्रेड है उनमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत होती है। तो ये ओवरऑल हो गया
प्रैक्टिकल का जो मैंने आपको बता दिया, इसमें सब कुछ मैंने बता दिया कि कॉपी मार्किंग से लेकर कॉपी आपको लिखना कैसे वो मैंने बता दिया, उसके अलावा समय बता दिया क्या क्या होता है, मार्किंग सिस्टम है, वाइबा वगैरह, उसके बाद कॉपी चेकिंग और ये सब चीज़ें मैं बता दिया, और लास्ट वाला अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे इसकी मैं बात करूँ। तो अच्छे नंबर मिलने के लिए आज भी वही चीज़ है कि अच्छे नंबर उसी बच्चे को मिलता है जिसका ओवरऑल जो एक प्रेजेंटेशन है कॉलेज में, ठीक है, प्रेजेंटेशन या बिहेवियर की बात कर लो, बिहेवियर बेसिस पर इस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल ही आप सच में कैसे हैं इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग भी आईटीआई कॉलेज में थे, तो सॉरी आईटीआई कॉलेज में तो हैं, पहले हम लोग भी बीटेक वगैरह किए थे, तो उस दौरान या सीटीआई किए थे, जो एग्जामिनर आते हैं तो उनकी अच्छी खरीदारी होती है, चाय पानी और नमकीन काजू वाली, एक बहुत परंपरा है पुरानी, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सब चलता है और साथ में कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज के स्टाफ तो रहते ही हैं, तो हम देखते थे कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत वाइवा थोड़ा सा वीक हो गया, कुछ हो भी गया, तो भी टीचर एग्जामिनर से इतना एक मतलब जो व्यवहारिक तौर पर कह देते थे, अरे सर देख लीजिएगा अच्छा बच्चा है, रेगुलर कॉलेज आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा सा एक शब्द है उतने से जो नॉर्मल नंबर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो कुछ हो ही जाता है। तो आज भी मैं क्लियरली बताता हूँ कि आप चेक भी कर लीजिएगा आपका जब रिजल्ट आएगा, तो अगर आप 50 लोग हैं 50 लोगों में जिनका बिहेवियर अच्छा होगा उनको प्रैक्टिकल मार्क्स हमेशा ही ज्यादा मिलते हैं, या फिर सेशनल मार्क हो वो भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रैक्टिकल हो गया आपका, कॉलेज में आना जाना, वर्कशॉप में आने जाने का तरीका, टीचर्स के साथ व्यवहार, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका आप लोग विशेष करके एग्जामिनेशन टाइम पर ध्यान दीजिएगा, किसी गलत एक्टिविटी या किसी गलत ग्रुप में आप शामिल मत रहिएगा, क्योंकि 2-4 दिन अगर थोड़ा अच्छा बिहेवियर कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स के साथ आप आईटीआई में परसेंटेज भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज मेन मोटिव क्या था, आईटीआई प्रैक्टिकल के पैटर्न से लेकर कॉपी से लेकर सब कुछ मैंने समझा सिखा दिया आपको, उम्मीद है कि आप कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। उसके बाद अगर कुछ लगता है आपको सीबीटी एग्जाम के बारे में भी जानना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट जरूर करिए, मैं अगली वीडियो उससे रिलेटेड ला दूंगा। आज के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो दोबारा से दोहराता हूं मैं, शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और धन्यवाद।